मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 3 सितंबर को होने जा रहा है। इसके लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मथुरा बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप देख रहे हैं आज नामांकन किया जा रहा है और ये जो प्रत्याशी अध्यक्ष पक्के गए आए उनसे बातचीत करते हैं। वकील साहब से मेरा नाम मदन गोपाल सिंह। इस पद के लिए आज आपने आवेदन अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है मैंने। कब होना है मतदान चुनाव? मतदान 3 सितंबर को होना है। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहो? वकीलों के हित में कार्य करने का प्लान है। बढ़िया बढ़िया कार्य करेंगे। मौका दिया आप सभी आदरणीय अधिवक्ताओं ने तो बार के हित में बेस्ट से बेस्ट जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे और इसी संदेश के साथ हम जो है सादर प्रणाम करता हूँ सबको। देखिए 3 सितंबर को चुनाव होना है, यहाँ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और बार के अध्यक्ष सुशील शर्मा जी आइए उनसे जानते हैं। बताएं अध्यक्ष जी क्या आगामी चुनाव की प्रक्रिया? देखिए चुनाव की प्रक्रिया जो है आज नामांकन से शुरू हो गई है। 18, 19, 20 3 दिन नामांकन होना है और 23 तारीख को स्क्रूटनी होगी और पर्चा वापसी होगी। उसके बाद 2 तारीख को प्रत्याशियों का पर्चा होगा जनरल हाउस में। 3 तारीख को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो है चुनाव होगा और उसके बाद 1 घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना में प्रत्याशी घोषित होने तक विजयी होने तक ये कार्यवाही चलती रहेगी। कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है? 6 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑडिटर और ट्रेजरर। कितने मतदाता भाग लेंगे? 2865 मतदाता है जो वो मतदान करेंगे। अध्यक्ष जी ने बताया कि 6 पदों के लिए चुनाव होना है। यहाँ सचिव हमारे साथ बैठे हैं सुनील चतुर्वेदी। सुनील जी बताएं क्या रूपरेखा तैयार किया चुनाव को लेकर, क्या व्यवस्था की? रूपरेखा तैयार है। मतदान की पूरी प्रक्रिया हमारे द्वारा पूर्ण कर ली गई है और जैसा कि कार्यक्रम जिस तरीके से है वो अध्यक्ष जी के द्वारा पूरा कार्यक्रम बता दिया गया है। शांत प्रिय तरीके से चुनाव होगा। हमारे अधिवक्ताओं के जब जब चुनाव हुए बड़े शांत प्रिय तरीके से हुए। जिसको बहुमत मिलेगा वो जीतेगा और इस गद्दी को सुशोभित करेगा। बस यही मेरा कहना है। मतदान की प्रक्रिया हमारी तरफ से पूरी पूर्ण है। सबसे नामांकन शुरू हुए अब तक कितने लोगों के नामांकन, किन किन पदों के लिए आ चुके? नामांकन अभी तक जो आए हैं करीब 18-19 नामांकन हम पे विभिन्न पदों के लिए आए हैं जिसमें अध्यक्ष पद के भी हैं, उपाध्यक्ष पद के भी हैं, सचिव पद के भी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी पद के भी हैं, ऑडिटर पद के भी हैं, कोषाध्यक्ष पद के भी हैं। करीब 19 नामांकन आज हमारे यहाँ हुए हैं। 20 तक चलेगा? हाँ 20 तक, क्योंकि पहले हमारा जो कार्यक्रम था 18 और 20 का था। चूँकि पहले हाईकोर्ट के कैलेंडर के अनुसार जो छुट्टी थी वो 19 की थी लेकिन अब वो 19 की छुट्टी परिवर्तित कर दी और 20 की छुट्टी कर दी है। इसलिए अब 18, 19, 20 तीनों दिन नामांकन हम कराएंगे क्योंकि 20 का कार्यक्रम पहले से घोषित था लेकिन छुट्टी बदलने के कारण अब हमने 1 दिन 19 का भी कर दिया और 20 का भी कर दिया है। मतदान को लेकर क्या व्यवस्था की गई है क्योंकि इस वक्त COVID-19 का भी माहौल है तो उसमें? देखो पिछली बार जिस तरीके से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों ने अपने मतदान किए थे, इसी प्रकार से सब लोग अपने मास्क लगा के आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से अपना मतदान करेंगे। बाकायदा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। पदाधिकारियों का हजूम नहीं लगेगा, वो बैरिकेडिंग पर ही सब पदाधिकारी रहेंगे और वहीं खड़े होकर अपने समर्थकों से, सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों से वोट मांगने का काम करेंगे। और अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहोगे इस चुनाव को? बस मतदाताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि कोविड की बीमारी को देखते हुए अधिक से अधिक लोग मतदान करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसका ध्यान रखें। सुना आपने जो बार के अध्यक्ष हैं सुशील शर्मा जी और सेक्रेटरी सुनील चतुर्वेदी ने बता दिया है कि 3 दिन नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, 6 पदों के लिए चुनाव है और लगभग 2,650 करीब मतदाता हैं। 3 सितंबर को मतदान होगा और COVID-19 की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा, मास्क लगाकर मतदाताओं को किया जाएगा, उचित दूरी पर मतदाता रहे इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। और साथ ही उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की है कि इस जो वार्षिक चुनाव है मथुरा बार एसोसिएशन का उसको सफलतम रूप से संपन्न कराने के लिए मतदाता उसमें सहयोग करें और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न होगा। जिला न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।